करके सचमुच स्वर्ग पुण्य हो गई है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने कभी लक्ष्मण से कहा था प्रेमा योग में कि जननी जन्मभूमि स्वर्ग करी और यह पवित्र प्रभाव जिस धरती माता के लिए भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा था अगर आप उसके दर्शन करने हो तो होते भी मन उसका साक्षात उदाहरण बन रहा है। यह देश 1947 में आजाद हुआ लेकिन बुंदेलखंड के पक्ष में प्रभात क्या हुआ था पलायन सूखा बेदर्भ संकट अन्नाप्रभा बेरोजगारी यहां के धर्मस्थलों पर कब्जा यहां की वन्य संपदा और प्राकृतिक संपदा और माफियाओं का कब्जा यही तो होता रहा। हमारी है प्रधानमंत्री मोदी जी के जिनके विजन के कारण जिनके मार्गदर्शन में आज उत्तर प्रदेश सरकार बुंदेलखंड को एक बार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भाव के अनुरूप स्वर्ग बनाने के लिए पूरी ताकत के साथ आप सबके सहयोग से और अपने जनप्रतिनिधियों के सहयोग से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। भाइयों बहनों पिछले 4 वर्षों के दौरान चित्रकूट के अंदर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो कार्य हुआ है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज आप देख सकते हैं बुंदेलखंड में सर्वत्र कुछ ना कुछ परिवर्तन पहले की तुलना में देखने को मिला और अब तो चित्रकूट को देश की राजधानी दिल्ली के साथ जोड़ने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे भी हम लोग दे रहे हैं। 50% काम हो गया है। 50% कार्य पूरा होने के साथ ही सुबह तक इस कार्य को हम पूरा करेंगे और बुंदेलखंड का कार्य पूरा होते ही बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का कार्य पूरा होते ही भाई बहनों चित्रकूट से दिल्ली की दूरी मात्र 5.5 से 6 घंटे के अंदर पूरा करने में मदद मिलेगी। व्यापक निवेश आएगा यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। हर जिले में हम औद्योगिक क्लस्टर बनाने जा रहे हैं और बुंदेलखंड को डिफेंस कॉरिडोर भी प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण आ गया है। डिफेंस कॉरिडोर जितने भी रक्षा उपकरण होंगे इसी बुंदेलखंड की धरती पर यहाँ का नौजवान ही अपनी जवानी को देश की सीमा पर नहीं लगाएगा बल्कि बुंदेलखंड में बनने वाली तोप और फाइटर विमान भी देश की सीमा की सुरक्षा करने के लिए दुश्मन की छाती पर तोप करने का काम करेगा। बुंदेलखंड की धरती करेगी बुंदेलखंड की धरती माया सौर ताकत देश की देने का दुनिया में देगी। अब तक जल शक्ति मंत्री का काम क्या है? हैंडपंप बनाना। रोड बोलते थे हैंडपंप मंत्री और अब तो जल शक्ति का विभाग ही चेंज हो गया है। अब हैंडपंप में हर घर शुद्ध पेयजल के लिए पाइप पेयजल योजना हर घर नल के साथ हम बोल रहे हैं। हर घर नल और हर खेत को पानी हर खेत को पानी देने की व्यवस्था। मैं कल से बुंदेलखंड क्षेत्र में दे रहा हूं ललितपुर से 4 बजे ललितपुर से झांसी प्रातःकाल मैं झांसी से चला हूं महोबा और महोबा से चित्रकूट आया हूं उसके बाद फिर आगरा जाऊंगा। आप देख लीजिए कल हमने बड़ी बात परियोजना को समर्पित किया है ललितपुर की जनता। 11-12 गांव ऐसे थे जिन्होंने आजादी के बाद अपने खेत में कभी पानी देखा ही नहीं था। मंडल महान परियोजना के खेतों में पानी ले जाने का काम कर रही है। कल से प्रारंभ हो गया वर्षों से लंबित योजनाएं थी दशकों से लंबित योजनाएं थी और यही नहीं वहां की एक बड़ी आबादी को शुद्ध
करके युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है। सिंचाई के लिए जल मिलेगा और 4 से 5 लाख की आबादी को पीने के लिए शुद्ध पेयजल की उपलब्धता हमको अर्थ सहायक योजना के माध्यम से करने में सहायक होंगे। और भाई बहनों, अभी हम लोग इस बसी 5 परियोजना और चीनी कल जो पंप नहर परियोजना है इनके लोकार्पण के कार्यक्रम के साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। और नाम करिए दोनों परियोजनाओं से 5,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को जल की उपलब्धता हो। 5,000 हेक्टेयर से अधिक बुंदेलखंड की धरती में ये दोनों परियोजनाएं सोना उगलने का काम करेगी। यहां की धरती में अपार संभावनाएं हैं और यहां का हमारा किसान भाई 2-2, 3-3 फसल ले पाएगा। ड्रिप इरिगेशन के साथ जुड़िए, ये 5,000 हेक्टेयर 15,000 हेक्टेयर में बदल जाएगा और ये 15,000 हेक्टेयर में आधुनिक खेती की तरकीबों के साथ जुड़ करके कई गुना आमदनी किसानों के जीवन में बढ़ाने का काम होगा। जो लोग कहते हैं कि किसानों के लिए क्या किया है, उनको जवाब देना आज आप सबसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप सभी उन लोगों को जवाब देना कि मोदी और योगी की सरकार का कार्य है कि जो काम दशकों से नहीं हो रहा है 70 के दशक की परियोजनाएं थी ये 1970 के आसपास इसके बारे में सोचा गया था। उस समय जो व्यक्ति पैदा हुआ था 50 साल का होता है, आधी जिंदगी उसकी कटी हो रही, आधा जीवन उसका बीत चुका है और तब तक परियोजना पूरी नहीं हो पा रही। नेताओं के घर बने, नेताओं की संपत्ति बनी, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ने के लिए गए, लेकिन बुंदेलखंड की गरीबी नहीं गई, बुंदेलखंड के व्यक्ति की आय नहीं बढ़ी। कारण था बुंदेलखंड के लिए जो पैसा था वो चंद लोगों की जेब में जाता था और ये चंद लुटेरे बुंदेलखंड को कंगाल बना करके अपने आप माला माल होते थे। आज बुंदेलखंड का पैसा बुंदेलखंड का लगेगा, यहां का कोई शोषण नहीं कर पाएगा, न कोई डकैती के नाम पर किसी पालक की हत्या हत्या कर पाएगा। डकैतों को जहां जाना था वहां हम भेज चुके हैं और अगर फिर तो इसे उठाने का कार्य करेगा ना जो लोगों के ऊपर हथियार चलाने का काम करेगा तो उसकी वही प्रगति होनी है जो अब तक डकैतों से और माफियाओं से निपटने के लिए सरकार की रणनीति इस पर लगी है। किसी ने चुनाव में आया था, किसी ने
विमान से आकर के युद्ध आए थे। हजारों वर्ष पहले एक घटना भगवान राम ने साकार की थी और यह देश 1947 में आजाद हो गया। चित्रकूट में हवाई सेवा आज तक प्रारंभ नहीं हुआ है। नंदी जी हमारे हवाई जहाज के मंत्री और किसानों के नाम पर जनता को गुमराह करने का काम करना है। किसान
कृपा से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से हर खेत को पानी पहुंचाने और ड्रिप इरिगेशन के साथ जोड़कर भी आपकी सिंचाई की सुविधा से जोड़ने का योजना कार्य होता है। उनको जवाब दीजिए, ये परियोजना 1970 के दशक में बनी थी, कोई परियोजना 2002 में तब बनी थी जब ओम प्रकाश सिंह जी सिंचाई मंत्री थे और माननीय राजनाथ सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब ये परियोजनाएं बनी थी। और उस समय से इसके लिए पैसा ही नहीं दिया तो सरकार ने बाद में उन्होंने पैसा ही नहीं दिया और परिणाम क्या रहा, विकास कार्य ठप पड़ गया, कार्य पूरा ही नहीं हुआ। प्रधानमंत्री को मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कहा पैसा ले लो, राज्य सरकार ने पैसा ही नहीं दिया। और 2017 में हमारी सरकार बनी, हम लोगों ने एक मुश्त बुंदेलखंड की सिंचाई की परियोजना के लिए, पेयजल की परियोजना के लिए एक मुश्त पैसा दिया, उस सरकार राज्य सरकार ने दिया और परिणाम है आज एक एक परियोजना पूर्ण होती हुई दिखाई दे रही है, योजनाएं पूर्ण हो रही है। बताइए हम लोगों को, आपके पास स्मार्टफोन होगा, अपना स्मार्टफोन से जाइए फोटो लेकर के और फिर उनके जब मोदी जी की सरकार पर, प्रदेश की सरकार पर किसान विरोधी होने का चस्का लगा दें तब बोल रहा हूं, कि अपने खिड़कियों पर भी देखो इस परियोजना को तुम पूरा नहीं कर पाए थे कई दोस्तों में, वह मोदी जी के अनुकंपा से प्रदेश की योगी जी की सरकार ने परियोजना को पूरा करके यहां की जनता को समर्पित कर दिया। इन परियोजना के फोटो ग्राफ उनको दिखाना जरूर, आईना दिखाइए इन लोगों को, ये लोग किसानों के कंधों पर भोले भाले किसानों के कंधे पर, हमारे अन्नदाता किसानों के कंधों पर बंदूक रख करके भारत के विकास को रुक करना चाहते हैं। जब भी भारत किसी एक निरपेक्ष के साथ आगे बढ़ता है, मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ता है, ये लोग कुछ न कुछ ऐसी खुराफात करते हैं जो भारत के विकास और भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खराब करने का कार्य होता है। किसानों के आंदोलन के पीछे भी यही लोग हैं जो लोग भारत की छवि को खराब करने का कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं एमएसपी कि मोदी जी के आने के बाद भारत का 1.5 गुना एमएसपी किसानों को मिलना प्रारंभ हुआ। अगर करें जितनी नहीं स्थापित होंगे तो एमएसपी का मतलब क्या, हमारी सरकार ने करें जिन स्थापित किए धान के लिए, गेहूं के लिए, तिलहन के लिए, दलहन के लिए, मकई के लिए, आलू के लिए, एक एक किसान की उपज को खरीद रहे हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य से दे रहे हैं। मुझे आश्चर्य होता है, गुमराह करने का कार्य होता है इस बात को लेकर के कि कॉन्ट्रैक्ट खेती के माध्यम से किसानों की जमीन को बंधक बना दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने तो पहले ही कहा यह बाध्यता नहीं, यह केवल विकल्प है, मर्जी है तो अनुमति करिए, नहीं मर्जी है तो मत करिए। लेकिन मैं कह सकता हूं यही बुंदेलखंड की धरती है, बैद्यनाथ ग्रुप ने तमाम हर्बल प्रोडक्ट को औषधीय पौधों का यहीं के किसानों से खरीदने, हर्बल फसल को यहीं के किसानों से खरीदने का काम, हर्बल ग्रुप करगा हर्बल फसल को खरीदने का काम यहां के बैद्यनाथ ग्रुप ने झांसी के माध्यम से किया था। किसी किसान की जमीन को आज तक बैद्यनाथ ग्रुप ने कब्जा नहीं किया बल्कि लोगों को भी मुनाफा दिया। प्रदेश के अंदर ऐसे तमाम ऐसे ग्रुप हैं जो किसानों से अनुबंध करते हैं, फसल का अनुबंध होता है, नदी खेत का अनुबंध होता है, कृषि संबंधी कानून है, मंडी समिति का कानून है, जुलाई 2020 में लागू हुआ, प्रदेश के अंदर एक भी मंडी बंद नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने पहले कहा कि एमएसपी हम देंगे, ये जारी रहेगी, और सबके बावजूद गुमराह करने का काम कुछ लोग अन्नदाता किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर कर रहे हैं, इनसे सावधान होने की आवश्यकता है। और भाइयों बहनों, मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, सरकार आपका विकास कराएगी, सरकार आपके विकास के प्रतिबद्ध है। ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, ये डिफेंस कॉरिडोर,
महिला
देखेंगे कि कोरोना अब आपके पास पकड़ नहीं पाएगा। कोरोना से बचाव के लिए मोदी जी ने फ्री में राशन भी दिया, जनता अकाउंट धारियों को पैसा भी दिया, वृद्धावस्था दिव्यांगजन निराश्रित महिलाओं को अतिरिक्त धनराशि दी, किसान सम्मान निधि प्राप्त करने वाले लोगों को भी समय से धन प्राप्त करवाया और फ्री में टीका वाली टीका दुनिया के अंदर 5,000 रुपए में है। भारत के अंदर मोदी जी फ्री में उपलब्ध करवा रहे हैं, फ्री में उपलब्ध करवा रहे हैं, इसलिए टीका लगवाएं। और जब तक कोरोना पूरी तरह समाप्त नहीं होता है तो प्रधानमंत्री जी ने दो बात कही थी, 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी का पालन जरूर करें। शिवरात्रि का कल पर्व है, सावधानी के साथ जलाभिषेक करने के लिए आप जाइए, आस्था के साथ जाइए, सरकार आपको सत्ता और सुरक्षा का बेहतर माहौल देंगे। होली हर सम्मान के साथ मनाया जाना चाहिए लेकिन गुणदंड दान नहीं आनी चाहिए, इसका ध्यान हम जरूर रखेंगे। आप सबको एक बार फिर से बधाई और शुभकामनाएं। इस धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए इन दोनों महत्वपूर्ण